अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बेग। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। नाज़रीन, जितने भी कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं और क्या क्या नई तब्दीलियां आएंगी इलेक्शन होने के बाद। तो रहिएगा मेरे साथ, आइए हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जैसे कि आप सेक्रेटरी की सीट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप क्या चाहेंगे और क्या क्या आप चेंजेस लाना चाहते हैं? देखें, ये जो है कराची प्रेस क्लब की बहुत अच्छी रवायत है और ये 1959 से यहाँ पे ये रवायत है, 50-60 साल से कि हर साल इलेक्शन होते हैं यहाँ पे। ये मतलब कि मिसाली जमहूरी अदारा है। इस साल भी इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं और इस साल, लेकिन एक बड़ी तब्दीली ये है कि एक यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल के नाम से एक नया पैनल यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस कराया, जो कि बहुत ही मजबूत पैनल है, जिसके मजबूत उम्मीदवार भी हैं, मजबूत लोग भी हैं और जो कि सहाफ़त और सहाफ़ी के ऊपर जो है यकीन रखते हैं, जिनका नज़रिया सहाफ़त और सहाफ़ी है, कोई सियासी मजहबी जमात उनका नज़रिया नहीं है, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि हम यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि मंशूरों में हमने जो है 12 नुकात वहाँ पर रखे हैं, लेकिन मैं एक नुकता यहाँ पर ज़रूर बयान करना चाहूँगा अपने जो है सेक्रेटरी के उम्मीदवार होने की हैसियत से, कि हम ये चाहते हैं कि हालांकि उसका जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविज़न भी है, उसकी क्लास 10 मौजूद है कि यानी कि जो है मेमोरेंडम में, और इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब को एक तकरीबन 5 करोड़ सालाना जो है वो ग्रांट भी मिल रही है, तो ये काम हो जाना चाहिए। हम अपने मेम्बर्स के लिए, सहाफ़ियों के लिए बेनिफिट फंड जो है वो कायम करना चाहते हैं। आपने जैसा कि देखा है 2019-20 में जब वो कोविड आया, तो सहाफ़ियों के ऊपर बहुत ही शदीद नौयत का जो है माली बहरान आया, बहुत बड़ी तादाद जो है बेरोज़गार हुई, बहुत सौ की तनख्वाहें कम कर दी गई, गुजारा मुश्किल हो गया और बहुत सारे लोगों के जो है बच्चे जो है वो स्कूलों से जो है निकाल दिए गए, तो इस किस्म के मसाइल रहे। लेकिन अभी तक कोई बेनिफिट फंड 60 साल में किसी ने कायम नहीं किया। ये इंशाल्लाह ताला यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल, ये इंशाल्लाह आते ही, जब जैसे ही हमें कामयाबी होगी, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी, और चूँकि हमारी नीयतें साफ़ हैं, हम बिल्कुल अपना एक साफ़ सुथरा और जाएगा शफाफ और अच्छी नीयत के साथ और अच्छे खलूस के साथ हम एक मंशूर लेके आए हैं और हमें यकीन है कि ये कामयाबी होगी, तो इंशाल्लाह ताला हम आते ही पहले ही 3 महीने के अंदर जिसके लिए हमने जो है वो यानी कि वो जो कानूनी माहरीन हैं उनसे हमने जो है मशवरे भी शुरू कर दिए, हम आते हैं इंशाल्लाह ताला ये बेनिफिट फंड जो है कायम करेंगे। अच्छा सर, वैसे कि सहाफ़ियों को बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि जब सहाफ़ी, जाहिर सी बात है सहाफ़ी का काम यही है कि सच्चाई को सामने लाना, उसके हिसाब से बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, उन पर कुछ थ्रेड्स मिलती हैं, धमकियाँ मिलती हैं, इस बारे में क्या ख्याल है कि सहाफ़ी इतनी मुश्किलात झेल कर एक सच्चाई पहुँचाते हैं, तो उसके बाद उसको बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिलने चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिले? देखिए, सहाफ़त पहले एक जो है प्रोफेशन होती थी, एक मिशन होता था, और सहाफ़त जो है मिशन ही है। सहाफ़ी अगर ये सोच करके अब जो आ रहे हैं सहाफ़ी, वो ये सोच कर आते हैं, बड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो गया। अब जो सहाफ़ी आ रहे हैं वो ये सोच के आ रहे हैं यहाँ पे पैसा बहुत है, तनख्वाहें अच्छी हैं, ग्लैमर है, शोहरत है, ये है वो है। लेकिन पहले जब 1970s-60s की मैं बात करूँ, मैंने 1995 में सहाफ़त में कदम रखा था, मैं 1960s-70s की अगर मैं बात करूँ, तो उस वक्त सहाफ़त एक मिशन होती थी और उसको ये नहीं होती थी परवाह कि हमारी जो है कि ज़िंदगियों को कोई ख़तरा लाग हो जाएगा या हमें पैसे कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उनको एक सच लिखने, सच बोलने का एक उनके अंदर जो है जज्बा होता था, जो कि अब नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं ये नहीं कहता कि सहाफ़ी जो है वो वाले सहाफ़ी नहीं रहे, पेशावर सहाफ़ी, वो अभी सहाफ़ी हैं, लेकिन उनके माली मसाइल, माली मुश्किलात इतने हो गए हैं कि वो माली उन अपने मसाइल से ही नहीं जो है निकल पा रहे हैं, तो वो सहाफ़त क्या करेंगे? उनकी जॉब जहाँ वो कर रहे हैं, उनकी जॉब को हर वो 24 घंटे एक जगह ख़तरा लाग रहता है कि पता नहीं कल मुझे बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा। मैं खुद अवाम अखबार में काम करता रहा, 3 साल पहले मैं अपनी ड्यूटी करके घर पहुँचा तो मुझे पता चला कि अवाम अखबार बंद कर दिया गया और सबको बेरोज़गार कर दिया गया। जब सहाफ़त में, सहाफ़ती अदारों में, सहाफ़ती अदारे अब असल में उन लोगों के हाथ में आ गए हैं जो कि इन अदारों के ज़रिए पैसा कमाना और बनाना जो है चाहते हैं और बना रहे हैं, और आप इनकी जितने भी मीडिया इंडस्ट्रीज़ के जो मालिकान को आप देखें, वो अरबपति करोड़पति हो गए, तो और जो सहाफ़ी है वो बेचारा जो है रुल रहा है। तो हम ये चीज़ें जो है PFUJ की सतह पे भी होती हैं, UJS की सतह पे भी होती हैं, और ये जो है ना क्लब का डोमेन तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या तब्दीलियां चाहते हैं आपको? आप माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए, आपका तजर्बा इतना है, तो क्या तब्दीलियां चाहते हैं इतने सालों में, क्या आपको ऐसा लगा कि चेंज होना चाहिए? नहीं, खैर, तब्दीली का तो लफ्ज़ इतना अब मायूब हो गया है इस माशरे में कि लोग इससे खौफ खाते हैं। हम तब्दीली नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि कराची प्रेस क्लब जो है 1952 में जिन उसूलों के तहत कायम किया गया था और एक प्रेस्टीज थी इसकी, बैन अल-अक़वामी प्रेस्टीज थी, और आज भी पूरी दुनिया में कराची प्रेस क्लब
एक डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब समझा जाता है। कराची प्रेस क्लब जो है ना, आवाम का, शहरी आज़ादियों का, जमहूरी हुकूक का हाइड पार्क समझा जाता है। ये हाइड पार्क करने में, आवाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने में और अहले इख्तदार तक उनके दादो रसाई की जो सिलसिला है या जो सबील है उसको पहुंचाने का काम जो है वो प्रेस क्लब ने हमेशा अंजाम दिया है। इस नाम नेहाद जो कि ज़ियाउलहक की पैदावार ग्रुप जो है, जिसको कि दस्तूर के नाम से पहचाना जाता है, उसने आके सहाफत में जो दरारें डाली, जो तकसीम की, उस तकसीम के हम हमेशा से ख़िलाफ़ रहे। बरना साहब से लेकर हम उन्हीं की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। यह प्रेस क्लब जो है वो बाकायदा इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकायदा इसका एक तरीक़ेकार है। और प्रेस क्लब जो है ना, हमारे यहाँ बुनियादी तौर से हमारे थके मांदे सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करने का, उनको इंटरटेन करने का एक क्लब है। ये प्रेस क्लब हम वो भी प्रेस क्लब हमने चलाया है जिसमें हमने तनख्वाहें जो है ना अपनी जेबों से चंदा कर कर के दी हैं। और आज करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं, कहीं एजुकेशन के मद में आ रहे हैं या हेल्थ के मद में आ रहे हैं, वो चंद अफराद को, मखसूस टोले को, जो ये खाने पीने का, कंस्ट्रक्शन करने का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है, वो तमाम की तमाम खराबियां जो हैं बुनियादी तौर से सहाफत को और सहाफती जो अलम है उसको दरीदा कर रही हैं, उसको ज़ख्मी कर रही हैं। देखिए, उनका नए आने वालों के लिए ये बात बहुत अहम है कि कराची प्रेस क्लब जो है वो क्लब है, वो उनके राइट्स की बॉडी नहीं है, उनके हुकूक का कोई तर्जमान नहीं है। उसके लिए जो है ना, के यूजे या यूजेस जो जिस इलाके की होती हैं, वो अपने यूजेस में जो है ना मेंबरशिप को अहम बनाएं, बल्कि मेंबरशिप को ज़रूरी बनाएं। इसलिए कि हमारे यहाँ ये ख़ास तौर से जमात इस्लामी दस्तूर ने ये रवाज कायम किया है कि वो प्रेस क्लब की अहमियत को आज का नौजवान सहाफ़ी जो है ना वो समझता है कि प्रेस क्लब की मेंबरशिप ही सहाफत है। ऐसा नहीं है, प्रेस क्लब सहाफत की मेंबरशिप की अहमियत नहीं है या वो उसका निशान नहीं है, बल्कि अहमियत ये है कि आपका यूजे, आपका के यूजे या आपका पीएफ यूजे की मेंबरशिप, जो कि आपके हुकूक यानी रोज़गार के हुकूक हैं, आपके दीगर हुकूक हैं, उनके लिए जो काम करेगी उसकी मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेस क्लब की मेंबरशिप अहम नहीं है। हमारे यहाँ ये रवाज डाला गया है कि प्रेस क्लब की मेंबरशिप होगी तो गोया कि वो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी समझेगा, ऐसा नहीं है। कराची में ये हो चुका है कि जिस सहाफ़ी कॉलोनी में मैं रहता हूँ, जो कि सहाफ़ी कॉलोनी में गुलशन इकबाल में है, वो सहाफ़ी कॉलोनी जो है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को दी गई थी, उससे प्रेस क्लब इस बात का बिल्कुल रवादार नहीं है, बिल्कुल ज़ामिन नहीं है कि यहाँ से चीज़ों को चलाया जाए। ये आपके बॉडीज चलाती हैं। प्रेस क्लब तो जस्ट फॉर एक चायखाना है, एक इंटरटेनमेंट की जगह है, लिहाजा उसको इंटरटेनमेंट की हद तक ही रहना चाहिए, उसको हमारे हकूक के हवाले से वो ज़ामिन नहीं है। लिहाजा इस गलतफहमी से हमारे नौजवान नस्ल को निकल जाना चाहिए। थैंक यू सर। मैं असलम शाह नाम है, मैं डेली टाइम में होता हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ यूनाइटेड पैनल की तरफ से, जर्नलिस्ट पैनल की। मेरा जो दो एम है, एक एम ये है कि इस प्रेस क्लब को सियासत से पाक करके एक फैमिली क्लब बनाया जाए। दूसरा जो 25 साल से दीराना मसला है, प्लाटों का मसला, प्लाटों पे आज तक ये झूठ बोलते रहे हैं और मामलात करते रहे, असल में जो बताते हैं वो नहीं है। असल मसला है प्लाटों के, सिंध गवर्नमेंट के मामलात हैं, वो लीज़ नहीं देना चाहते, ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते, मामलात वो है। ये जरदारी से जुड़े हुए हैं, मतलब वज़ीराला से जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहें एक मिनट में हल कर सकते हैं, लेकिन ये इनको भी लॉरी पाप दे रहे हैं और बाकी मेम्बरान को भी दे रहे हैं। 15 साल से ये दीराना मसले को हल नहीं किया। हमारा मेरा मकसद ये है कि पहली जीतने के बाद सबसे अहम इशू जो प्लाटों के मसले हैं वो मैं हल करूं। प्लाटों के मसले का मैं जानता हूं कि क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम जगहों पे
जो डॉक्यूमेंटेशन भी है मेरे पास मौजूद है और इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये प्लाट के तमाम चीज़ें पड़ी हुई है। अगर वो चाहते रिस्टोर करने पूरी स्कीम रिस्टोर होगी तो फिर हमारे लिए काम निकल आएगा, प्लानिंग कर सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और अलाटमेंट और लीज भी सब हो सकते हैं। अभी सब चीज़ें बंद हैं, इन चीज़ों अभी सिर्फ आप तामीरात कर सकते हैं जो भी आर्जी तौर पे अख्तियार मिला है। मैं आने के बाद सबसे पहला काम यह है कि प्लाटों के मसले को हल करें और हल करके इनको मेम्बरान को उनकी मालिकाना हकूक दिए जाएं ताकि वो लीज और सब लीज कर सकें और अपने बच्चों के लिए छत की तामीर कर सकें। थैंक यू सो मच। सर क्या चेंजेस आनी चाहिए या क्या चेंजेस चाहते हैं आप? असल में कराची प्रेस क्लब एक तारीखी इदारा है, एक हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन है ये, और इसकी वजह से उसकी वजह यह है कि 70s से पहले किसी प्रेस क्लब का कहीं भी रोल नहीं था और बहुत कम प्रेस क्लब होते थे और कोई उसका कहीं जिक्र भी नहीं होता था। लेकिन ये कराची प्रेस क्लब जो था, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये माशाल्लाह की पैदावार है, वो इसलिए कि जब पाकिस्तान में पहला मार्शल 58 में लगा, अयूब खान ने लगाया, तो उस ज़माने में कोई क्लब नहीं था कराची में प्रेस का। तो उस ज़माने में हमारे जो सीनियर साथी थे, जो बुज़ुर्ग थे हमारे, उन्होंने ये सोचा कि भाई क्लब होना चाहिए, क्योंकि कराची के अंदर हम लोग घूमते हैं सुबह से निकल कर, थक जाते हैं, तो एक्सचेंज यूज़ करने के लिए, तफरी करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो वो यहाँ आके आराम करते थे, एक्सचेंज यूज़ करते थे और गेम कर वॉलीबॉल खेलते थे। किसी और शुरू हुआ था यहाँ पर तंबोला होता था यहाँ पर। उस ज़माने में हमें एक कमरा मिला हुआ था, यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, वो भी जर्नलिस्टों के, एक हमारे जाहिदी साहब होते थे डॉन के अंदर, उनके वालिद साहब जो थे एक्सपोर्ट ब्यूरो के अंदर मुलाजिम थे, तो ये उनका दफ्तर था यहाँ पर और वो रहते भी थे यहीं। तो हमें एक कमरा इस बात पे दे दिया गया था कि आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए क्लब। तो हम एक कमरे के अंदर, वहाँ तंबोला होता था और शाम को लोग खेलते और जलेबी खाकर उसके ऊपर गेम ख़त्म हो जाता था। उसके बाद से इसका रोल हुआ, क्योंकि जलसे यहाँ करते थे सहाफ़ी और यहाँ से हम जाते थे रीगल चौक तक, और रीगल चौक से फिर एल प्रेसिडेंट स्ट्रीट से मुजाहरा करते हुए यहाँ आते थे। तो इस तरीके से क्लब का नाम जो है अखबार में आने लगा कि भाई सहाफ़ियों की स्ट्राइक हो रही है, प्रेस क्लब में जलसा निकालते हैं, वहाँ पर जलसा करते हैं, फिर इस तरीके से शुरू हुआ था। जी मैम, आप क्या चेंजेस चाह रही हैं, जो अब नया पैनल आ रहा है उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं? अच्छा देखिए, मैं दी यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल में गवर्निंग बॉडी में इस वक्त मेरा नाम अनाउंस हुआ है। मेरा नाम रुबीना यास्मीन है और मेरी जो इदारा है उसका नाम लाइव रोस्टम न्यूज़ एजेंसी है। अच्छा, जहाँ तक हम तब्दीली लाने की बात करें तो हमारा मंशूर वाजे है, और मंशूर वाजे ये है कि हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं कराची प्रेस क्लब के इस निज़ाम में, क्योंकि यहाँ एक तो ख़वातीन को मौका नहीं दिया जाता, सबसे बड़ी बात यह है, और एक लगीबंदी सियासत है जिसमें वही पुराने नाम आपके सामने आ जाते हैं। अच्छा, हमारा पैनल अनाउंस करने से पहले ये भी हुआ है कि जाहिर है हमने अपनी एक्टिविटी पहले से शुरू कर दी थी, तो हमारी अगेंस्ट पार्टी जो आपको पीछे तकरीर करती हुई नज़र आती है, उनमें एक जोश और जज्बा और वलवला बढ़ गया है। तो ये अच्छी बात है, मैं देख रही हूँ कि उनके पैनल में हमारी ख़वातीन के आने की वजह से उनके पैनल में भी ख़वातीन की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। देखिए, मेरा जो मकसद है इस पार्टी में आने का और यहाँ से इलेक्शन में एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आने का, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब मैं आऊँ तो इस प्रेस क्लब को, जो कि एक सोशल क्लब है, इसे ख़वातीन के लिए आसूदगी का बाइस बनाऊँ, ताकि यहाँ ख़वातीन आएँ, यहाँ बैठें, अपनी एक्टिविटी करें। इनके बच्चों के डे केयर सेंटर भी होने चाहिए हैं, यहाँ जो तकरीबात हैं उसमें और मज़ीद कुछ इजाफा किया जाए, और लगे बंधे नामों को ही बुला कर उन कमेटीज का मेम्बर ना बना दिया जाए या उनकी इंतज़ाम उनके हवाले ना किए जाएँ। 178 खवातीन यहाँ कराची प्रेस क्लब की मेंबर हैं। कराची प्रेस क्लब में जैसे कि आपने देखा कि हम मौजूद थे और हमने यहाँ पर इलेक्शन के ज़ोरों शोर से तैयारियाँ चल रही हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से हमने बात की, काफ़ी सारे सहाफ़ियों से बात की, तो कुछ लोगों ने अपने कुछ डाउट्स भी बताए और कुछ लोगों ने ये कहा कि जो चेंजेस चाहते हैं उस तरह के चेंजेस भी आने चाहिए। और एक नया जो पैनल है, यूनाइटेड पैनल जो है, वो अभी मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, और वो पैनल भी इस इलेक्शन में खड़ा हुआ है, और काफ़ी लोगों को उस पैनल से उम्मीदें हैं, क्योंकि नए लोग आएंगे तो शायद उनका कहना यह है कि नए लोग आएंगे तो चेंजेस आएंगी और हालात कुछ बेहतर होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान फौजे बेग को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।